Welcome back friends. In this video we'll discuss differences between below and under. इन दोनों prepositions के अंतर को समझेंगे हम. बहुत सारे situations ऐसे हैं जहाँ हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं. These two prepositions can be interchanged. लेकिन कुछ specific situation है जहाँ हम केवल below का प्रयोग कर सकते हैं या केवल under का प्रयोग कर सकते हैं. Let us see them. मैंने ओवर और अबव प्रीपोजिशन पे भी वीडियो बनाया है, तो आई सजेस्ट कि आपको देखना चाहिए वो वीडियो, क्योंकि ये बिलो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अबव के जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन में यूज़ होता है और अंडर का प्रयोग ओवर के जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन में यूज़ होता है. तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी. आइए देखते हैं हम बिलो वर्सेस अंडर. लुक एट दिस स्लाइड. हैशटैग लगाकर मैंने दोनों की प्रॉपर्टीज़ को डील किया है. देखिए बिलो के लिए क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, टच नहीं होता है. नेक्स्ट इज नो मूवमेंट, जब मूवमेंट नहीं होता है उस सेंस में भी हम बिलो का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट इज वन लोकेशन, मतलब सेम सतह की बात करते हैं, मतलब किसी भी स्पेस का मूवमेंट नहीं होता है. नेक्स्ट इज वर्स देन, मतलब खराब के सेंस में. नेक्स्ट लोअर देन अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर स्केल या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर नीचे की बात करनी हो तो हम बिलो का ही प्रयोग करते हैं. अब अंडर का यूसेज देखिए. अंडर कॉन्टैक्ट के भी सेंस में यूज़ होता है और नो कॉन्टैक्ट, मतलब दोनों सिचुएशन में यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट देखिए मूवमेंट एंड नो मूवमेंट. अंडर मूवमेंट के सेंस में भी यूज़ हो सकता है और नो मूवमेंट के सेंस में भी यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट इज वन लोकेशन टू अनदर, मतलब ऑब्वियस है कि अगर मूवमेंट होगा तो स्पेस मूव करेगा. एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के जाने के सेंस में भी हम अंडर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज प्रीफिक्स, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स लगाकर हम किसी चीज़ को वीक बनाते हैं या कम बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कंडीशन, किसी चीज़ की स्थिति को दर्शाने के लिए, सिचुएशन को दर्शाने के लिए भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं. एंड सी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस देन के सेंस में, अगर किसी नंबर से कम बताना हो तब भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं. हिंदी में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगर से नीचे की बात होगी तो जनरली हम बिलो का प्रयोग करते हैं, लेकिन के नीचे अगर बोलना हो तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड देम थ्रू सम एग्जांपल्स. बिलो वाले एग्जांपल्स देखते हैं. सी द फर्स्ट एग्जांपल, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, मतलब उसी सतह पर उसी लेयर में जस्ट नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करें. तो ऐसे सिचुएशन में जब सेम लेयर की बात होती है ना, वन लोकेशन की बात होती है, तो हम बिलो का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए, हर परफॉर्मेंस वॉज बिलो एवरेज, है ना, उसका जो परफॉर्मेंस था वो एवरेज से थोड़ा कम था, ख़राब था. यहाँ पे किस सेंस में हमने यूज़ किया है, कम के सेंस में यूज़ किया है ना, एवरेज से भी कम था. नेक्स्ट देखिए, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. टेम्परेचर जो था फ्रीजिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट है, उससे नीचे गिर गया. नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ अनियंस इज बिलो ₹40 पर केजी. अनियंस का प्राइस जो है ₹40 पर केजी से नीचे है. यू स्कोर्ड बिलो 70%, तुमने 70% से नीचे स्कोर किया है. नेक्स्ट देखिए, द रिवर वॉज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क, नदी जो थी वो डेंजर मार्क से नीचे बह रही थी. हिज सैलरी वॉज बिलो एक्सपेक्टेशंस, उसकी सैलरी जो थी वो एक्सपेक्टेशन से नीचे थी. नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स इन द अपार्टमेंट बिलो आर्स, मतलब वह हमारे अपार्टमेंट में हमसे नीचे रहता है. सो यू विल फाइंड कि बिलो में ना तो कॉन्टैक्ट होता है ना तो मूवमेंट होता है. अब हम अंडर वाला केस देखेंगे जिसमें दोनों एप्लीकेबल होता है.
कॉन्टैक्ट भी होता है, नो कॉन्टैक्ट भी होता है, मूवमेंट भी होता है और नो मूवमेंट भी होता है। देखिए, कीप दिस बुक अंडर योर पिलो, मतलब अपने तकिए के नीचे इस बुक को रख दो, इस किताब को रख दो। तो यहाँ आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट वाली बात हो रही है ना, कॉन्टैक्ट भी हो के सेंस में हमने अंडर का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड इज़ अंडर वेट, अंडर प्रीफिक्स लगा के हमने क्या किया, वेट कम है, मतलब मेरे फ्रेंड का वेट कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, उस सेंस में हमने अंडर का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय इज़ अंडर एज टू गेट सेलेक्टेड, मतलब जो लड़का है वो अपनी उम्र से कम है, किस लिए, सेलेक्ट होने के लिए, उसकी उम्र जितनी होनी चाहिए उससे वो कम है। नेक्स्ट देखिए, नेवर अंडर एस्टिमेट योर चाइल्ड्स टैलेंट, मतलब अपने चाइल्ड के टैलेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना, कम नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ भी अंडर प्रीफिक्स के रूप में यूज़ हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि वीक के सेंस में, कम के सेंस में। नेक्स्ट देखिए, द पेडेस्ट्रियन वॉज रेस्टिंग अंडर द ट्री, जो पेडेस्ट्रियन था, राहगीर था, वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग अंडर द ब्रिज, मैं पुल के नीचे टहल रहा था। तो यहाँ आप देखेंगे कि मूवमेंट की बात हो रही है ना, पुल के नीचे मैं मूव कर रहा था, तो मूवमेंट होगा तो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, योर एप्लीकेशन इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब आपकी एप्लीकेशन को की स्थिति बताई जा रही है कि आपकी एप्लीकेशन की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, कि उसको अभी कंसिडर किया जा रहा है, अंडर कंसिडरेशन है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अंडर प्रेशर टू कम्प्लीट हर प्रोजेक्ट, वह अंडर प्रेशर था। तो यहाँ भी कंडीशन को, स्थिति को बताने के लिए अंडर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हमने आज अंडर और बिलो के कंपैरिजन को देखा। आई विल मीट यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक, टिल देन।